इसका मतलब ये हो गया कि लेबर को ये जो पेमेंट किया जाएगा वो कहां तक किया जाता है, एक्चुअल आवर्स। तो इसलिए हमारा एलआरबी का फिर से फॉर्मूला, समझा दो, आपकी आवाज कट रही थी। भाई मैं ये बोल रहा हूं, आपने लेबर को स्टैंडर्ड रेट के बजाय एक्चुअल रेट पर अपॉइंट किया। अब मेरा सिर्फ इतना सा पूछना है, उन्हें ये एक्चुअल रेट का पेमेंट कितने आर्स का करोगे? क्या मैनेजमेंट ने जितने आर्स सोचे थे उनका पेमेंट करोगे लेबर को, या लेबर ने एक्चुअल जितना काम किया? सर जितना काम किया है उतना ही तो देंगे ना। तो बस वही मैं बोल रहा हूं कि एलईवी में मैंने डिफरेंस इन रेट ले लिया, और ये डिफरेंस इन रेट कहां तक जाएगा? एएच तक जाएगा। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया एसआर माइनस एआर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। क्यों? क्योंकि लेबर को मैं तब तक पेमेंट करूंगा, कब तक? जब तक कि उसने अपना काम कंप्लीट ना कर दिया हो। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट ने कितने आर्स सोचे थे। प्रोडक्ट को बनाने में लेबर को जितना समय लगा, मुझे उसका जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है वो एक्चुअल आर्स तक ही कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? आइए, आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने अभी बोला ही नहीं, अब आ रही है? अब आ रही है क्या? हाँ लिख लो एक एग्जांपल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कैसे। चलिए देखते हैं। लिखिए स्टैंडर्ड में 5 आवर्स और 10 रुपए की रेट है। वो अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? आज बस तो 5 आवर्स अगर हम काम करेंगे और 10 रुपीज की रेट पर उन्हें पेमेंट करेंगे तो 50 रुपए का खर्चा आएगा एक यूनिट को बनाने में। एक्चुअली में लेबर ने 450 आवर्स इंटू 11 रुपए की रेट पर काम किया तो 4950 का खर्चा आया। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस। हमें कॉस्ट वेरिएंस और रेट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। नहीं, वो फॉर्मूला दिखाना। फॉर्मूला ये रहा, सर एलसीवी
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, पचास का खर्चा हमने एक यूनिट पर सोचा था, पचास का खर्चा हमने एक यूनिट पर सोचा था और एक्चुअल में हमारा लगा 100 यूनिट पर इतना, तो 100 यूनिट पर लगना चाहिए था 5000 और लगा इतना, तो 50 फेवरेबल आ गया। लेबर रेट वेरिएंस डिफरेंस लूंगा एसआर और एआर का और एक्चुअल आर्स तक, एक्चुअल आर्स तक लीजिए 10 माइनस 11, ये तो मेरे एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट का वेरिएशन हो गया और इनटू तो 450 एडवर्स आ गया। यही आ रहा है आप लोगों का भी? यस सर। हाँ सर। एक रुपए का तो रेट का वेरिएशन आ गया और मल्टीप्लाई हो गया कितने से, हमारा जो एक्चुअल आर्स है 450 आर्स से। तो ये हो गया हमारे पास लेबर रेट पे। आइएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अगला फॉर्मूला है एलईवी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी का मतलब है कि लेबर ने जब काम किया तो वो कितना एफिशिएंट था, तो लिखो it is defined defined as the difference between It is defined as the difference between standard time achieved, it is defined as the difference between standard time achieved, sorry, standard time for actual production achieved and hours actually worked. डिफरेंस लेना है एस एच माइनस ए एच का एंड अप टू स्टैंडर्ड रेट। अप टू स्टैंडर्ड रेट क्यों, ऊपर आ जाओ, ये देखो अब इधर देखो क्या हुआ, यहां तक का ये जो गैप था ना ऊपर का, ये आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो,
आप एआर और एसआर का जो भी गैप था वो यहां तक आप रिकवर कर चुके हो। अब आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी जो जिम्मेदारी बनी वो बनी एसएच और एएच के गैप की, लेकिन उसकी वो जिम्मेदारी केवल और केवल कहां तक बनी? एसआर तक। क्यों? क्योंकि इस एसआर के ऊपर कर्सर देखना, इस एसआर के ऊपर का सारा पेमेंट आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो पर्सनल मैनेजर से। तो ही यानी प्रोडक्शन मैनेजर इज लायबल ओनली फॉर द डिफरेंस बिटवीन आर्स अप टू द स्टैंडर्ड रेट, अप टू द स्टैंडर्ड रेट। केवल यहीं तक के लिए वो लायबल होगा। तो इसलिए फॉर्मूला समझ आया, फॉर्मूले में मैंने क्या लिया, एफिशिएंसी में एसएच माइनस एएच मल्टीप्लाई बाय एसआर। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, आर्स जो लूंगा वो वर्कड आर्स का डिफरेंस होगा, अब इस पर भी हम बात करेंगे। बस यही एक वेरिएंस है जो थोड़ा, इसमें कॉस्ट की कोई बात ही नहीं है कि तीसरे वेरिएंस में। क्या बोल रहे हो? तीसरे वेरिएंस में कॉस्ट की कोई बात ही नहीं है। कॉस्ट की बात नहीं है मतलब? कॉस्ट की बात मतलब जैसे ऊपर तो रेट में फर्क आ रहा है तो एक तरह से मतलब वो बियर ही करना पड़ रहा है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी तो आ गया ना फर्क, आप समझे नहीं। अगर आर्स जितने सोचे गए थे उससे ज्यादा लगे तो पेमेंट भी तो ज्यादा बना होगा। हाँ, तो उसके लिए ही तो प्रोडक्शन मैनेजर की लाइबिलिटी निकाल रहे हैं कि भैया देखो हमने सोचा था कि लेबर को एसएच तक काम करवा दोगे लेकिन तुमने काम यहां तक करवाया, तो ये एसएच और एएच का जो गैप है इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर लायबल है। हाँ, लेकिन ये तो आर्स का गैप है, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि तो हाँ इसके ज्यादा होने की वजह से नुकसान कितना हुआ, आप समझ रहे हो। मैं रेट से मल्टीप्लाई या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं टोटल अमाउंट का नुकसान कितना हुआ। हाँ, मैं भी वही सोच रही सर अमाउंट में ही आएगा ना, क्योंकि अमाउंट में आ गया ना। अगर मैंने एसएच माइनस एएच लिया तो इसने ये बताया कि इतने आर्स का एक्स्ट्रा काम हुआ। हाँ, लेकिन ये किस रेट तक? ओनली एसआर तक, एआर तक नहीं जाएगा। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। LRV और ये रिकवर्ड हो रहा है QLE। बोलो आया पॉइंट समझ में? तो वेरिएंस जो था वो यहां तक आ गया आपका। अब हमें यहां पर वापस से कैलकुलेशन करनी है क्योंकि एसएच होना चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन अचीव्ड पर, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये हमने इसे एक्चुअल आउटपुट पर कन्वर्ट कर लिया।
और एच मीन्स एक्चुअल आर्स वर्कड. अब एक्चुअल आर्स वर्कड कैसे निकाले जाते हैं? टोटल एक्चुअल आर्स माइनस आइडल टाइम, क्योंकि भाई अगर आइडल टाइम रहा तो उसमें उसकी गलती नहीं है, समझ रहे हो? मैनेजमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के बीच में बात हो रही है. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बोल रहा है कि एसएच और एएच के बीच के लिए मैं लायबल तो हूं, लेकिन इस एएच में पूरे एएच के लिए मैं लायबल नहीं हूं. इस एएच में से ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द मैनेजमेंट अगर काम नहीं हो पाया तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं. तो जितने भी टोटल एक्चुअल आवर्स हैं उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जितना भी आइडल टाइम है, और वो जो एक्चुअल आवर्स वर्क आएंगे केवल उन्हीं के लिए आपकी जिम्मेदारी बनेगी. जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि भाई अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में पावर कट रहा, तो भैया पावर कट की वजह से काम को करने में देरी हो गई, तो पावर कट की वजह से जो काम में देरी हुई उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर कैसे लायबल होगा? पावर कट उसके हाथ में तो था नहीं, एबनॉर्मल रीजन है. मान लीजिए कोई मशीन ब्रेक डाउन पर चली गई तो इस वजह से काम रुक गया. मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में कुछ स्ट्राइक हो गई, उस वजह से कुछ काम डिले हो गया. तो जितने भी एबनॉर्मल रीजन से डिले हुआ उसके लिए मैं एलईवी को काउंट नहीं करूंगा, यानी प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट लायबल फॉर सच आइडल टाइम. अब अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब आइडल टाइम नहीं था. अब आ जाओ, जैसे मान लो ऊपर वाली एग्जांपल में निकालता हूं, ये लिख लिया सबने, आओ अब अपन इसी में निकाल लेते हैं ऊपर वाले एग्जांपल में एलईवी. SH minus AH into SR. Must be on output. जो SH होगा वो आपका क्या होना चाहिए? Must be on output होना चाहिए. निकाल लीजिए. अगर 5 आर सोचा गया था एक यूनिट पर, तो 100 यूनिट पर कितना होना चाहिए था? 500 आर होना चाहिए था. अगर एक यूनिट पर 5 सोचा गया था तो 100 यूनिट पर 500 होना चाहिए था, लेकिन काम 450 में ही हो गया मल्टीप्लाई बाय 10. ये लीजिए, ये आ गया 500 फेवरेबल, ये आ गया हमारे पास 500 फेवरेबल. बताइए आया पॉइंट समझ में? तो ये हमारे पास हो गया लेबर रेट वेरिएंस. तो लेबर के तीन वेरिएंस हो गए आपके. सिमिलर टू अगर आप देखो तो ये मटेरियल के ही तीनों वेरिएंसेस के बराबर है.
वहां एमसीवी एमपीवी और एमयूवी निकालते थे, लेबर में आप एलसीवी एलआरवी और एलईवी आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे।